हम लोग आ गए मॉल रोड, टेपो की सब्जी, ये कद्दू की सब्जी, कड़ी और ये कुछ मीठा डेजर्ट है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और काफी दिनों बाद एक वीडियो आ रहा है, तो इस सीरीज में आपको मजा आएगा। और काफी लंबा ट्रेवल करके आया हूँ। सो राइट नाउ इट्स संडे मॉर्निंग एंड आई एम एट दिल्ली बस स्टैंड और शिमला के लिए बस पकड़ रहे। और इस बार मेरे साथ सचिन भाई, हम दोनों सोलो ट्रैवल कर रहे। तो सोलो आई मीन डुओ ट्रैवल कर रहे हैं। और काफ़ी मज़ा आएगा आपको इस डेस्टिनेशन में। कुछ अलग डेस्टिनेशन है और ये बैकपैकिंग ट्रिप है, तो कुछ डिसाइडेड नहीं है कितने दिन का होगा। सो देखते क्या होता है। एंड आई होप आपको पसंद आई ये सीरीज। सो डोंट फॉलो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और वीडियो एंड तक जरूर देखिए। सो दिस इज आफ्टरनून और हम लोग है सोलन में अभी फिलहाल। और पिछले 7 घंटे से बस में ट्रैवल कर रहे थे, नो ब्लॉग्स, काफ़ी भीड़ थी। सो अब रुके लंच के लिए। और डेट शेड इज शिमला। एंड कैसा लगा ये बचन परिवार ने कहा? सो गाइस, वी आर हियर एट सोलन। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स शिमला नाउ। एंड इट्स बीन 8 to 9 hours. We have boarded the bus at early at 5 a.m. and currently it's almost 2:30 p.m. and we have almost reached to Solan. So from here it will take only half an hour to reach Shimla. So stay tuned. We'll explore more. ये है हमारा बस। तो समरी देने के लिए इस ट्रिप के बारे में, काफ़ी अचानक हमारा ये प्लान हुआ था। तो कुछ दिन पहले सचिन भाई मिले थे, तो हमने डिसाइड किया 10 दिन कहीं घूमने जाते हैं छुट्टी लेके। तो छुट्टी डाली और ये सब अप्रूवल मिला, उसमें काफ़ी सारे काफ़ी फास्ट ये काम हो गया सारा। टिकट भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बुकिंग की थी, तो क्योंकि लास्ट मोमेंट आता पैसेंजर ट्रेन में आना पड़ा, सो इसलिए वीडियो नहीं बना पाए। उसमें काफ़ी भीड़ थी, प्लस कल जो बस थी वो काफ़ी यहाँ शिमला में कुछ रोड के काम की वजह से सब ब्लॉक्ड था, तो काफ़ी देर बस में भी निकल गई। तो अगर शॉर्ट में देखें तो हमारा ट्रैवल पूरा 2 दिन से सिर्फ ट्रैवल था। हम लोग बस में बैठ रहे, ट्रेन में बैठ रहे, बस में बैठ रहे, ट्रेन में बैठ रहे, इसलिए ज़्यादा कुछ व्लॉग नहीं किया। काफ़ी थके हुए भी थे। और फिर कल शिमला भी होटल ढूंढने के चक्कर में काफ़ी वॉकिंग कर लिया, तो इसलिए फिर थके आ रहे। बहुत कुछ मजदूरों जैसी हालत हो गई थी हमारी, तो इसलिए फिर व्लॉग ज़्यादा करके नहीं करके डिसाइड किया आज से कंटिन्यू व्लॉग करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सो या काफ़ी मज़ा आने वाला इस ट्रिप पे, तो बने रही है। और ये नया सीरीज मेरे चैनल के लिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और सारे वीडियोज एंड तक देखिए, क्योंकि आइटिनरी डिसाइडेड नहीं है। सो काफ़ी मज़ा आएगा कि ये एक DIY ट्रिप करने ये अचानक, सो आपके लिए भी एक रेफरेंस रहेगा और आप वो सारी गलतियां ना कर सको जो हम लोग ने की है। सो सी यू गाइस जब सचिन आता है। हाँ हाँ, तो ऐसा कुछ रेडी हुए, अभी जा रहे हैं शिमला की ओर और बाइक रेंट करते हैं और शिमला घूमते हैं। यस। सो हम लोग आ गए मॉल रोड
और यहाँ पे रेंट पे स्कूटी लेके आए। सो अभी ये वाला एरिया एक्सप्लोर करते हैं और बाद में आपको बताते क्या है यहाँ। सो काफी भीड़ यहाँ, मोस्टली सीजन चल रहा है अभी। और ये बहुत बढ़िया पेंटिंग। और ये अपने सचिन भाई हेलमेट लेके, तो अभी हम लोग जा रहे हैं गॉर्टन कैसल। ये सीढ़ियाँ चढ़ के तो ऊपर से कुछ ऐसा व्यू है मॉल रोड का। ये पूरा हम लोग वॉक करके आए अभी नीचे से 1.5-2 किलोमीटर। और वहाँ पे ऑरेंज कलर का कुछ दिख रहा है, हनुमान जी का स्टैचू। तो जिसको फोर्ट समझ के गए वो निकला लाइब्रेरी। तो फिर अपना मॉल रोड पे कंटिन्यू करते हैं, बात करते हैं। तो वहाँ पे शिमला का पोस्ट ऑफिस, एक बैंक LIC, ICICI बैंक और आगे गेटी थिएटर है। सिनेमैटिक शॉट्स, सो कुछ साल पहले हम लोग आए थे यहाँ पे कॉलेज ट्रिप और काफी फोटोज है हमारे। क्या बोलता है रे, पुरानी यादें ताजा। सो बॉयज वी आर हियर एट शिमला मॉल रोड एंड काफी मजा आ रहा है यहाँ पे। हम लोग काफी सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं, काफी नॉस्टैल्जिक लग रहा है हम लोग को यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं लाइक ये एरिया हम लोग जब कॉलेज में थे तब हमारा IV था, तो हम घूम चुके हैं। इंडस्ट्रियल विजिट नाम पे हम लोग को लाइक मॉल रोड पे लेके आए थे, बट वी हैड फन एट दैट टाइम। और अभी भी आप देख सकते हो काफ़ी यहाँ पे वैसा ही माहौल है, काफ़ी क्लीनलीनेस है। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एकदम क्लीन रोड है क्योंकि गाड़ी अलाउड नहीं है। तो सब क्लीन है और हॉर्स राइड्स और काफ़ी लिमिटेड गाड़ी आ रही है। और लास्ट टाइम वहाँ मोमोज खाए थे हम लोग ने जब कॉलेज से आए थे, अभी भी फिर जाके खाएंगे। और अभी थोड़ा घूमते हैं यहाँ पे। सामने कोई चर्च दिख रहा है तो पता करते हैं उसके बारे में भी और देखते हैं फिर। और अभी सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया सो लंच करेंगे और धूप है तो थोड़ा रेडी होके फिर मिलते हैं। बोल देता है कैसा लगा रहे मोमोज? हाँ, इतने साल के बाद वैसा ही है। ऑलमोस्ट 8 साल के बाद सेम टेस्ट। क्या ठंडी में सॉफ्टी? काफी दूर है मॉल रोड, अभी काफी बड़ा है एक्चुअली, दूर नहीं है। और चल चल के अभी जा रहे होटल ढूंढ रहे खाना खाने के लिए। खाना मिल जाए बस, खाया नहीं ठीक से 3 दिन से, ढंग का खाना नहीं खाया है और हमारा घूमे जा रहे घूमे ही जा रहे। तो अभी हम ढूंढ रहे खाना,
और इससे तृप्ति मिल जाए थोड़ी, और कुछ नहीं। और कुछ ट्राई करेंगे यहाँ का ही लोकल कुछ जो अच्छा मिलता है फेमस खाने को, क्योंकि हमारे वाला खाना तो वहाँ भी तो खा ही रहे, तो यहाँ का कुछ। और ये रही वैली सीनरी कुछ इस तरह से यहाँ से, और ये नजारा कुछ 7-8 साल बाद फिर से यहाँ। काफ़ी याद है मेरे ख्याल से हम लोग जब फर्स्ट ईयर डिग्री में थे तब आए थे यहाँ पे, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, ज़्यादा कुछ बदला नहीं है तो अच्छी बात है, और मज़ा तो उतना ही आ रहा है, बस ठंड ही काफ़ी यही है, तो खाना खाते वक्त मिलते हैं फिर। तो हम लोग अभी आशियाना होटल में लंच करेंगे और कुछ लोकल फूड ट्राई करते हैं, और काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, हम लोग बाहर के साइड बैठे थे ना, तो मिलते हैं खाना आने के बाद। और ये थाली आ चुका है और खाना शुरू हो चुका है। ये छोले की सब्जी, वो सेपू की सब्जी, ये कद्दू की सब्जी कड़ी, और ये कुछ मीठा डेजर्ट है जो यहाँ का लोकल है, और काफ़ी बढ़िया फूड है, सो ये भी इसको ख़त्म करके ही मिलेंगे। सो खाना खा के हो गया है, काफ़ी अच्छा खाना था रेस्टोरेंट में, और इतना बिल भी नहीं हुआ, सो काफ़ी अच्छा लगा, और लोकल फूड जो यहाँ की डेलिकेसीज थी काफ़ी मज़ा आया था। टू पीपल काफ़ी बढ़िया था खाना, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, हिमाचली थाली स्पेशली बहुत टेस्टी था, और जो उसमें एक वैरायटी ऑफ सब्जी आई थी वो काफ़ी यमी थी। तो बस अभी चलते हैं अपने स्कूटी की तरफ और वहाँ से अगले डेस्टिनेशन पे, और ट्राई करेंगे उस पर भी कुछ वीडियो बनाने की। तो हम लोग आ गए फिर से रूम में, और यहाँ से सामान पैक करके निकलेंगे अब रेकॉम्पियो के लिए, और वहाँ से बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाना है, तो मे बी फुल नाइट हम लोग ट्रैवल करें, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और अभी स्कूटी रेंट पे लिए उसको रिटर्न करके दे देंगे, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जो कि नेक्स्ट डे ही होगा मोस्टली, और See you guys soon, and ये सीरीज को जरा जरूर फॉलो करना, तो अच्छे अच्छे वीडियोज आने वाले हैं आगे भी, और तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं कल फिर। सो इट्स अ गुड मॉर्निंग फ्रॉम किन्नौर, और कल रात को रात भर बस में ट्रैवल किया, आज सुबह 3:30 बजे कुछ पहुँचे थे, फिर दूसरी बस ले ली और जा रहे हैं अभी काजा की ओर। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, होप यू ऑल डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, और ऐसे है नज़ारे कुछ, और ये बस में जाएंगे, और भैया क्या होता है। सो बॉयज अभी जस्ट हम लोग किन्नौर पहुँचे हैं, तकरीबन सुबह 5 बजे के आसपास हम लोग, 4 बजे के आसपास हम लोग रेकॉम्पियो पहुँचे, रेकॉम्पियो से हम लोग को 5:30 का जो है बस मिला है, जो कि लगभग 6 बजे निकला वहाँ से, और फिलहाल हम लोग किन्नौर पहुँचे हैं ऑन द वे टू काजा, और काजा में पहुँचने के लिए अभी लगभग 8 से 9 घंटे हैं टोटल, अगर ट्रैवल टाइम बोला जाए तो 12 घंटे का है रेकॉम्पियो से काजा का, एंड अगर आप चोटियों पे देखोगे तो आपको अच्छी खासी बर्फ़ देखने मिलेगी यहाँ पे नहीं मिलेगी, और छुपे हुए पहाड़ है उस पर अच्छी खासी बर्फ़ है, तो विल गेट दैट फुटेज टू यू एज वेल। ये प्राथमिक यहाँ की चिड़िया काफ़ी मोटी है वैसे, हेल्दी चिड़िया, और ये शेरू के बाद जाएंगे, शेरू भाग क्यों रहा, शेरू चिड़िया पकड़ रहा है, शेरू को इंटरेस्ट इच नहीं है,
सो आफ्टर द लास्ट शॉट और अभी फिलहाल बजे 10:30 और सोने की तैयारी चल रही है। आके सीधा लेट गए थे तो सीधा 2-4 घंटे के लिए सो गए। और वी आर एट राइट नाउ एट काजा और यही पे होम स्टे लिया है और पूरा दिन बस में बैठे थे। ऑलमोस्ट 18 to 19 आवर्स का बस ट्रैवल हो गया अभी कल शाम से। इसलिए आज का वीडियो शॉर्ट रहेगा और कल से असली मज़ा चालू होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और ये सीरीज जरूर फॉलो करो। सो सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो।